अगर कभी कोई पुलिस वाला आपको कॉल करे, कॉल करके बोले हेलो फलाने बोल रहे हैं, मतलब आपका नाम ले, और फिर जैसे ही आप बोलेंगे हाँ मैं बोल रहा हूँ, वैसे ही उधर से बोलता है कि मैं जो है फलाने थाना से, मैं फलाने ब्रांच से, मतलब क्राइम ब्रांच से, फलाने थाना से जो है इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, आपको होगा टेंशन यार इंस्पेक्टर साहब ने मुझे कॉल क्यों किया, पुलिस की तरफ से कॉल क्यों आता है। फिर उधर से बोला जाता है कि आपके खिलाफ एक FIR दर्ज हुआ है और ऐसे कंडीशन में आज शाम तक आप थाने आकर के मिल लीजिए, SHO साहब से मिल लीजिए, अदरवाइज SHO साहब का नंबर ये रहा और यहाँ पे कॉल करके आप जो उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि आपके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है तो आगे का प्रोसेसिंग करना है, और ऐसे में आप अगर बचना चाह रहे हैं तो SHO साहब से मिलकर के मामला को निपटा लीजिए। ऐसे ही ये बात उधर से बोला जाएगा, आप सोचेंगे यार इंस्पेक्टर साहब मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे कॉल करके बता दिए मेरे खिलाफ किसी ने FIR कर दिया है, यार FIR हो गया, अब जो है कोर्ट कचहरी का मामला फंसेगा, पुलिस का मामला फंसेगा, अब क्या किया जाए, आपको जरा सा टेंशन होगा, फियर होगा, जैसे फियर होगा, जैसे ही टेंशन होगा, ऐसे ही आपके जो ये जो डर है इसका इस्तेमाल करके अगला बंदा कहेगा एक काम करिए SHO साहब से मिलकर के मामले को निपटा लीजिए बेहतर रहेगा, अब या तो थाने आ जाइए। अब जब थाने का नाम लेगा तो आप समझेंगे थाना पे जाएंगे यार बहुत दिक्कतें हो जाएगी, फिर वो अगला बंदा देगा दूसरे का नंबर और वो रहेगा SHO साहब का, ये सब जो है ना वो इंस्पेक्टर रहेगा ना ही कोई SHO रहेगा, बस पुलिस के नाम पे इस तरह की ठगी चल रही है। जो इनोसेंट पीपल हैं, जो चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगे, जो थाने का चक्कर नहीं लगाना चाहते, क्योंकि आम जनता में ये डर होता है कि अगर पुलिस स्टेशन जाएंगे तो मुझे वहां पे टॉर्चर किया जाएगा, मुझे डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछा जाएगा, जानबूझ के परेशान किया जाएगा, पैसे के डिमांड किया जाएगा, ऐसा लोगों में माइंडसेट बन चुका है। तो ऐसे कंडीशन में इसी डर का इस्तेमाल करके ये फ्रॉड करने वाले, धोखा करने वाले, स्कैम करने वाले लोग जो है अपने आप को सो कॉल्ड इंस्पेक्टर बन करके लोगों को कॉल कर रहे हैं, और कॉल उनको कर रहे हैं जिनका एग्जैक्ट नाम पता है और फोन नंबर पता है, और इससे वो कॉल करके उनको डरा रहे हैं। अब जो इनोसेंट पर्सन होते हैं, जो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, वो सोचते हैं मामला को रफा दफा कर दे। तो ये जो सो कॉल्ड SHO साहब बन के जो कॉल किया है फ्रॉड करने वाले लोग, वो कहते हैं एक काम करिए इतना पैसा जो यहाँ पे गूगल पे कर दीजिए, आपका टेंशन फ्री कर देंगे। अब लोगों के मन में क्या बन चुका है यार, जब FIR होता है, केस होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, पैसा दे करके मामला को रफा दफा किया जाता है, ऐसा लोगों में माइंडसेट बन चुका है। और इस चक्कर में जो है लोग पैसा ट्रांसफर करके सोचते कि यार मैं, मेरा जो है FIR होने से बच गया है, मेरा जो केस आगे बढ़ने से बच गया, अब मैं टेंशन फ्री हूं, और इस तरह का स्कैम लगभग लगभग एरिया में चल रहा है, और खासकर वैसे एरिया में चल रहा है जहां पे लोग पुलिस का नाम सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उनको लगता है यार बहुत बड़ा जुल्म अब होने जा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसे। जब भी अगर कोई पुलिस वाले आपको कॉल करेंगे, जनरली कॉल तो करेंगे ही नहीं, नोटिस आपके घर पे जाएगा या आपके जो लीगल एड्रेस होगा वहां जाएगा, इन केस अगर कॉल जाता भी है तो कहिए हाँ मैं आपके थाने में आकर के मैं SHO साहब से बात कर लूंगा। आप थाने जाइए, बात करिए, सारा कुछ मामला को नपट सपटा कर दीजिए, या बेहतर है कि आप अपने करीबी को, अपने जो थाना का नाम बोला है वहां भेज दीजिए, वहां से पता लगा लीजिए। वैसे भी आजकल जो है थाने का जो रिपोर्ट जो है FIR ऑनलाइन हो चुका है, तो अगर आपके नाम पे कोई FIR है तो ऑनलाइन सर्च कर लिए कि आपके नाम पे सच में FIR है नहीं है। और मैं तो चाहता हूं कि इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए, और ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जो थाना पुलिस ये सबसे डर रहे हैं, और ऐसे कंडीशन में उनके साथ कभी भी कोई फ्रॉड कॉल करके पैसा ठग न ले। सिंपल सी बात है कि कोई भी पुलिस वाला आपको कॉल करके आपसे पैसा कभी डिमांड नहीं कर सकता है कि आप मुझे पैसा दीजिए मैं आपके मामले को रफा दफा कर लूंगा, क्योंकि उनको भी डर लगा रहता है कि अगर मैं कॉल करता हूं और कॉल रिकॉर्डिंग हो गया तो उनकी नौकरी तक भी जो है दिक्कतें हो सकती है, इसलिए ऐसा गलती तो वो करेंगे नहीं। ऐसा गलती कौन करेगा, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो आपको फेस टू फेस मिलेगा नहीं, फिजिकल कोई एड्रेस होगा नहीं, वो तो चाहता है कि किसी तरह आपके साथ साइबर फ्रॉड कर ले, कुछ पैसे उसके अकाउंट में चला जाए और फिर आप जो है सोचते रहे, और लास्ट शर्म के मारे आप किसी को कहेंगे नहीं। जब आप किसी को कहेंगे नहीं, अगर किसी तरह से फ्रॉड हुआ है आपके साथ, तो फिर आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार जानेगा कैसे। तो इसीलिए मैंने वीडियो बना करके, जैसे मुझे पता चला कि इस तरह के फ्रॉड इंटरनेट की दुनिया में हो रहा है, लोगों के साथ हो रहा है, मैं सोचा वीडियो बना लूं, आपको बता दूं, और आप वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों में जानकारी दे दीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फ्रॉड चल रहा है इंटरनेट पे, साइबर फ्रॉड चल रहा है, उसका वीडियो बनाया हूं, उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आपको और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फ्रॉड है उसके बारे में जानकारी पता चले, जिससे आप अपने आप को सेफ और सिक्योर कर सके।